नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो सियाटिका या फिर स्लिप डिस्क में जो खतरनाक कमर दर्द होता है, उस कमर दर्द के साथ साथ किस तरीके से चैन की नींद ली जाए। सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है कि बहुत बार पेशेंट्स आके बोलते हैं कि सर कमर दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है पर उसके साथ साथ नींद नहीं आ रही है। ये दोनों इंटर रिलेटेड होते हैं। जिन पेशेंट्स में कमर दर्द बहुत ज़्यादा होते हैं उनमें नींद नहीं आती है और नींद न आने के वजह से पेन और ज्यादा बढ़ता है। तो चलिए बात करते हैं क्या कंफर्टेबल स्लीपिंग पोजीशंस होती है कमर दर्द के पेशेंट्स में। नमस्ते, मैं डॉक्टर ईशान नेरकर, ब्रेन और स्पाइन सर्जन हूँ। मैं नासिक महाराष्ट्र यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। तो चलिए बात करते हैं जो कंफर्टेबल स्लीपिंग पोजिशंस होती है जो अपनानी चाहिए अगर किसी पेशेंट्स को लो बैक पेन है। तो जो कॉमनेस्ट और सबसे कंफर्टेबल पोजीशन होती है वो एक करवट पे सोना होता है। बात करते हैं पोजीशन नंबर 1 के बारे में। जिस साइड में आपको ज्यादा तकलीफ है वो साइड ऊपर आने दीजिए, जो साइड नॉर्मल है उस बल पे अपने को सोना है। घुटनों में थोड़ा सा मोड़ लेना है ताकि जो बैक पे प्रेशर आता है वो रिलीफ हो जाए। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दोनों घुटनों के अंदर एक पिलो लेना है ताकि एक कंफर्टेबल स्लीपिंग पोजीशन पाई जाए। अब जो पेशेंट पेट के बल सोते हैं या फिर पीठ के बल सोते हैं उनमें यूजुअली ये पोजीशन कंफर्टेबल नहीं होती है। तो बात करते हैं जो पेशेंट्स में पीठ पे सोने की आदत होती है उनके बारे में। अगर आपको पीठ के बल सोने की आदत है तो पीठ के बल सोए उसी के साथ साथ एक छोटा पिलो अपने घुटनों के नीचे रखना है ताकि एक जो लंबर स्पाइन होता है वो एक रिलैक्स पोजीशन में आ जाए। अगर आप चाहे तो एक छोटा सा पिलो कमर के नीचे भी रख सकते हैं ताकि जो लॉर्डोटिक कर्व होता है, लंबर का जो कर्व होता है वो मेंटेन रहे और उस पर प्रेशर ना आए। अब जिन पेशेंट्स में आदत होती है कि वो पेट के बल सोते हैं उन पेशेंट्स में भी अपने पास एक पोजिशन है ताकि वो स्पाइन का पेन से रिलीफ पा सके। तो इन पेशेंट्स में यूजुअली एक छोटा सा पिलो लेना चाहिए उन्होंने सर के नीचे। बहुत बड़ा पिलो ना ले, वो एक अनकंफर्टेबल पोजीशन हो जाएगी। उसी के साथ साथ एक या दो पिलो रखनी है कमर के नीचे ताकि जो स्पाइन का नीचे वाला हिस्सा है वो रिलैक्स्ड रहे, वो सिंक इन ना हो और वो जो दर्द होने वाला है वो कम हो जाएगा। तो इस तरीके की 3 पोजीशंस अपन अपना सकते हैं जब भी अपने को लो बैक पेन होता है। अब एक कॉमन टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि बहुत बार पेशेंट्स आके पूछते हैं कि सर मैट्रेस कौन सी यूज करनी चाहिए, सॉफ्ट मैट्रेस यूज करें या हार्ड मैट्रेस यूज करें, नीचे सोए, जमीन पे सोए, ऐसी बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं। तो मेरी सलाह ये रहेगी कि एक कंफर्टेबल मीडियम फर्म मैट्रेस होनी चाहिए जो प्रॉपर स्पाइन को सपोर्ट दे। बहुत सारी चीजों पे ये मैट्रेस का डिसीजन बनता है, पेशेंट का उम्र क्या है, पेशेंट का स्लीपिंग पैटर्न कैसा है, पेशेंट एक करवट पे सोता है या फिर पेट के बल या पीठ के बल सोता है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज पेशेंट का वजन क्या है। तो अपने लिए जो कंफर्टेबल मैट्रेस है वो चुने, ना कि किसी और ने बताए हुए मैट्रेस पे सोना है। धन्यवाद।